नमस्कार दोस्तों, खरौंधी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। घर बैठे मोबाइल पर न्यूज देखते रहने के लिए खरौंधी लाइव के प्रत्येक न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कीजिए। प्रखंड मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। प्रखंड में पिछले एक सप्ताह से आई फ्लू से ग्रामीण परेशान है। प्रखंड में आई फ्लू का संक्रमण ज्यादातर छोटे छोटे बच्चों को हो रहे हैं। इन्हीं बच्चों से उनका अभिभावक को भी आई फ्लू हो रहा है। प्रखंड क्षेत्र के राजी, सिंधु, करीवाडी, सिसरी, खरौंधी, मझिमा सहित गाँव के सैकड़ों लोग आई फ्लू के शिकार हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के आंखों में आई फ्लू होना किसी मुसीबत से कम नहीं है। प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश मजदूर और किसान निवास करते हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रखंड के बारिश होने से किसान या मजदूर सभी धान रोपने कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे में घर के लोगों को आई फ्लू का संक्रमण होना बड़ी मुसीबत बनी हुई है। आंखों में आई फ्लू होने से खेतों में काम करने से उन्हें परेशानी हो रही है। इस समय प्रखंड के लोग एक दूसरे से आंख मिलाने से परहेज कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया, ये बीमारी संक्रमित व्यक्ति के आंखों में देखने से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है, जिसका प्रभाव कुछ ही घंटों में ही दिखने लग रहा है। वर्तमान समय में आंखों में संक्रमण का असर छात्रों को पढ़ाई पर पड़ रहा है। संक्रमण होने के बाद अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज रहे हैं। आई फ्लू संक्रमण वाले लोगों को आंख में पानी, आंख लाल हो जा रही है, आंखों में तेज चुभन के साथ दर्द हो रही है। प्रखंड में आई फ्लू का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। संक्रमण से बचने के लिए लोग काले चश्मे का सहारा ले रहे हैं। स्थानीय डॉक्टर संक्रमित लोगों को घर में रहकर आराम करने की सलाह दे रहे हैं। क्षेत्र में आई फ्लू का मामला बढ़ जाने से दवा दुकानों में आई ड्रॉप व अन्य दुकान की दवा की मांग बढ़ गई है। वहीं इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा उचित व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोगों को खासा परेशानी हो रही है। धन्यवाद।